चलें सम कमर्शियल इम्पोर्टेंस ऑफ अल्कोहल, तो कंपाउंड इथेनॉल और इथेनॉल का कमर्शियल इम्पोर्टेंस देखते हैं, ठीक है। पंद्रह मिथेनॉल CH3OH also known as a wood spirit, okay, was produced by destructive distillation of wood. कैसे बनाते हैं बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड H2 के साथ में मिक्स करो इन द प्रेजेंस ऑफ CR2O3 एंड जिंक ऑक्साइड, ठीक है। प्रेशर मेंटेन करना है 200 टू 300 atm प्रेशर। प्रोड्यूस क्या होने वाला है? मिथेनॉल, ओके। पॉइजनस होता है बेटा मिथेनॉल, जो होता है वो पॉइजनस होता है, ठीक है। तो मिथेनॉल इज अ कलरलेस लिक्विड, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी बताया था, फिजिकल प्रॉपर्टी, कलरलेस लिक्विड है, बॉयल होता है एट 337 केल्विन के करीबन एंड हाईली पॉइजनस इन नेचर। नेचर में क्या है? पॉइजनस नेचर है इसका, ठीक है। मिथेनॉल इज यूज एज अ सॉल्वेंट इन अ पेंट एंड वार्निश, ठीक है। मतलब क्या होता है, पेंट और वार्निश को डिजोल्व करने के लिए या फिर सॉल्वेंट करने के लिए हम मिथेनॉल का यूज कर सकते हैं। मिथेनॉल और इथेनॉल दोनों यूज होते हैं। इथेनॉल, इथेनॉल C2H5OH इज ऑब्टेंड कमर्शियली बाय द फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन से बनाया जाता है, ओके, ठीक है। C12H22O11 प्लस H2O इनवर्टेज किया, ये क्या है बेटा? ग्लूकोज, क्या है ग्लूकोज क्या बेटा? है शुगर है, केन शुगर है, क्या बेटा? इसका ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में, इसमें कन्वर्जन हुआ है ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में, ठीक है बेटा। इसके बाद में ग्लूकोज दिया बेटा, एंजाइम यूज किया बेटा जाइलेज, ठीक है। इसमें इसका कन्वर्जन क्या है बेटा, टोटल 6 कार्बन थे तो दो दो के कार्बन के से ग्रुप बनाए बेटा, टोटल 6 कार्बन थे तो दो दो के कार्बन के से ग्रुप बनाए। 6 कार्बन में कितने ग्रुप बनने वाले बेटा? 3, तो 3 अल्कोहल या प्रिपेयर होने चाहिए थे, उसमें से 2 अल्कोहल बने और एक जो होगा वो कार्बन, एक दो जो कार्बन रहेंगे वो निकल जाएंगे, ओके। तो बेटा 6C6H12O6 जाइमेज वाला बेटा क्या बनने वाला है? मिथेनॉल बनेगा, ठीक है, इथेनॉल बनेगा और दो कार्बन निकल जाएंगे CO2 के फॉर्म में, ओके, चलो ठीक है। इथेनॉल इज अ कलरलेस लिक्विड विद अ बॉइलिंग पॉइंट, इथेनॉल भी कलरलेस लिक्विड है, इथेनॉल भी कलरलेस लिक्विड था, उसका बॉइलिंग पॉइंट था 337 केल्विन, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 351 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट बड़ा बेटा क्यों? मॉलिक्यूलर वेट बड़ा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। इथेनॉल इज यूज एज अ सॉल्वेंट इन अ पेंट इंडस्ट्री, वो भी सॉल्वेंट के तौर पे यूज होता था पेंट और वार्निश के लिए, एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, यानी बहुत सारे नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड हम इथेनॉल से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, ओके। क्वेश्चन है बेटा, हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 ब्रोमोपेंटेन बाय एक्वस एनिओ इज गिव्स, क्या बनेगा? हाइड्रोलिसिस करना है 1 ब्रोमोपेंटेन का, 1 ब्रोमोपेंटेन का हाइड्रोलिसिस करना है, क्या बनेगा बेटा? 1 पेंटेनॉल बनेगा, मतलब ब्रोमीन निकलेगा वहां OH लगेगा, ब्रोमीन निकलेगा वहां OH लगेगा, वहां से ब्रोमीन निकलेगा, यहां से N निकलेगा तो NaBr बनेगा, मतलब प्रोपेन वन ऑल फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, सॉरी पेंटेन वन ऑल फॉर्म होना चाहिए, पेंटेन वन ऑल क्या है? ये ऑप्शन सी, डन। चलो बेटा नेक्स्ट, हाइड्रेशन ऑफ इथेन, हाइड्रेशन करना मतलब क्या होता है? OH की एडिशन करना, इथेन पे अगर OH लगाएंगे तो इथीन का क्या हो जाएगा बेटा? कन्वर्जन इथेनॉल में हो जाएगा, तो क्या बनने वाला बेटा यहां? इथेनॉल बनेगा, क्या बनेगा? इथेनॉल। नेक्स्ट, हाइड्रेशन ऑफ 2 मिथिल ब्यूट टू एनी प्रोड्यूस, 2 मिथिल ब्यूट टू एनी प्रोड्यूस हाइड्रेशन करना है बेटा, 1 टीजर यहां 2 मिथिल, इसमें तो कोई चांस ही नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन सेकंड पोजीशन पे जो डबल बॉन्ड लगा है उसी में से एक पोजीशन को OH लगने वाला है, ठीक है। अभी कौन सी पोजीशन लगाएंगे? देखो सेकंड पोजीशन पे ना मिथिल ग्रुप भी लगा हुआ है, तो थर्ड पोजीशन पे कितने हाइड्रोजन होंगे और सेकंड पोजीशन पे कितने हाइड्रोजन होंगे ये कैलकुलेट करना है। अगर सेकंड पोजीशन का एक ग्रुप एक हाइड्रोजन मिथिल से रिप्लेस हो चुका है तो यहाँ पे ही हाइड्रोजन कम होंगे, और जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे वहाँ OH का सब्स्टिट्यूशन होता है, किसने बताया था? मॉर्को ने, तो ये मतलब सेकंड पोजीशन पे ही लगना चाहिए, ठीक है। और नियर कंपाउंड से 1 मिथिल ब्यूटेनॉल, 1 मिथिल पेंट टू ऑल, 2 मिथिल ब्यूट टू ऑल, 2 इथिल ब्यूट टू ऑल, क्या बनेगा बेटा? ब्यूट वाला कंपाउंड बनेगा, 2 पे मिथिल है, 2 पे ही OH लगने वाला है, बिकॉज ऑफ 2 पे ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होने वाले है। देखो जब
कंपाउंड या फिर आईयूपीएसएन क्लियर होने लग जाता है तो कंपाउंड निकालने की जरूरत ही नहीं है। मैंने ड्रॉ की रिएक्शन मैंने सिर्फ क्या देखा बेटा, टू पे डबल बॉन्ड है और सेकंड पोजीशन पे मिथिल है, मतलब सेकंड नंबर जो ला जो कार्बन है उसमें हाइड्रोजन कम होंगे, क्या होंगे वहाँ हाइड्रोजन कम होंगे, और जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे वही OH का सब्स्टिट्यूशन होगा, ये बताया था मार्कोनिकॉफ ने। क्लियर है, इसलिए इसका आंसर होगा टू मिथिल ड्यूट टू ओल। ओके डन, नेक्स्ट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन, क्या होता है हाइड्रोबोरेशन, B2H की रिएक्शन, ठीक है 11th में हमने पढ़ा था B2H डालो अल्केन के टोटल तीन मॉलिक्यूल एक साथ में रिएक्ट करेंगे, बाद में उसका हाइड्रोलिसिस करो, जहां B2H6 लगा था B2H6 रिमूव हो जाएगा और वहां लगेगा OH, क्या लगने वाला है OH, एट ए टाइम कितने मॉलिक्यूल होते हैं तीन मॉलिक्यूल। ओके ठीक है, चलो बेटा देखते हैं, एक्चुअली बेस का सिंगल मॉलिक्यूल होता है ठीक है, बट वो सिंगल फॉर्म में नहीं होता है, डबल फॉर्म होता है, इसलिए B2H6 लिखते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन। ठीक है बेटा, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिया मैंने, प्रोपीन लिया टोटल सिक्स मॉलिक्यूल, इसके साथ में रिएक्ट करेंगे B2H6, B2H6 क्या करेगा, ये जो B है एक B टोटल तीन अल्केन के साथ में रिएक्ट करेगा, एक B टोटल तीन अल्केन के साथ में रिएक्ट करेगा, एक B तो एक B अगर यूज करेंगे तो कितने हाइड्रोजन होने वाले हैं तीन, तो तीन हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे तीन कंपाउंड में और यही तीन कंपाउंड एट ए टाइम B से अटैच करेंगे, तो यहाँ हाइड्रोजन फुलफिल हो जाएंगे, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ कनेक्ट हो जाएगा B, तो फिर से ये ऐसे टोटल तीन मॉलिक्यूल जब क्लियर करेगा तो BH3 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ऐसे टोटल कितने निकलने वाले, दो निकलने वाले, तो एक BH3 और एक BH3, इसका फाइनली कन्वर्जन हो जाएगा फिर से B2H6, बराबर है, हाँ क्लियर रिएक्शन। चलो देखो बेटा, तीन कंपाउंड ले मैंने, इसके ऊपर डाले मैंने H2O2, ठीक है, अगर H2O डाला तो यहाँ H लगेगा, H2O2 डाला तो OH लगेगा, चलो ठीक है। देखो बेटा यार, OH माइनस निकल गया होगा, OH लगे हुए हैं और ये जो B है B OH थ्राइस के साथ में रिएक्ट हुआ है, अगर मैंने यहाँ सिंपल H2O लगाया होता तो यहाँ OH लगाना है, यहाँ H लगाना है, बट अगर मैंने यहाँ H2O2 लगाया है तो यहाँ पे भी OH लगाना है, यहाँ पे भी OH लगाना है, बिकॉज H2O2 का स्ट्रक्चर ऐसा होगा HOOH, मतलब इधर भी OH इधर भी OH, तो एक OH इसको देना है, एक OH इसको देना है, B एट ए टाइम कितने OH ले सकता है तीन, वैलेंसी कितनी उसकी तीन, कितने OH लेगा तीन, मतलब कंपाउंड बन चुका बेटा एन प्रोपिल अल्कोहल और प्रोपेना वन ऑल, एकदम सिंपल सा रिएक्शन था B2H6 का, ठीक है। फिर से एक बार देखो बेटा B2H6 ने क्या किया, प्रोपीन लिया हमने, ठीक है डबल बॉन्डेड कंपाउंड लिया, प्रोपीन छोड़ दो, डबल बॉन्डेड कंपाउंड लिया, B2H6 के साथ में रिएक्ट किया, डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, एक साइड में H की एडिशन होगी और एक साइड में B की एडिशन होगी। ओके ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ मार्कोनिकॉफ लगना चाहिए क्या, किसकी दिमाग पर डाउट है कि सर यहाँ मार्कोनिकॉफ लगना चाहिए क्या, बी और एच दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव का बॉन्ड बना हुआ है, नहीं नहीं मेरा सवाल समझा बेटा आपको, यहाँ मार्गोनिक की नीड है या नहीं है, कंपाउंड मार्गोनिक कब लगता है, कंडीशन क्या है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड, ये अनसिमेट्रिकल है क्या, तो अनसिमेट्रिकल है तो मार्गोनिक लगेगा, ठीक है, तो मार्गोनिक क्या कहता है बेटा, नेगेटिव पार्ट, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट कहाँ लगना चाहिए, जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ नेगेटिव पार्ट कौन है, यही कंफ्यूजन दिमाग में चल रहा है, बराबर है, कंफ्यूजन क्लियर करो, सिंपल देखो B2H6 से जो H है और B है, B हुआ मेटल और H B गैस है, मेटल नहीं है लेकिन S में आता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कहाँ बढ़ती है और कहाँ कम होती है, कंपेयर करते हैं पीरियोडिक टेबल में, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ती है, बोरॉन यहाँ था, हाइड्रोजन यहाँ है, तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर के पास में है, बराबर है ना, ठीक है, और ये डिस्टेंस पे है,
तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हुआ, इसके कंपेयर में हाइड्रोजन क्या होगा, इलेक्ट्रो निगेटिव, क्या होगा, इलेक्ट्रो निगेटिव। इसलिए यहाँ निगेटिव पार्ट कौन है, हाइड्रोजन निगेटिव पार्ट है, इसलिए हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हुआ CH के जगह, तो CH के जगह CH2 हुआ है निगेटिव पार्ट का सब्स्टिट्यूशन, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन की जगह हो चुका है। कौन सा रूल अप्लाई हुआ है, मॉर्गोनिक ऑफ, स्टेप वन में हाइड्रोबोरेशन में स्टेप वन में कौन सा रूल अप्लाई होता है, मॉर्गोनिक ऑफ अप्लाई होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ ब्यू लगा हुआ है, ठीक है। टोटल तीन मॉलिक्यूल एक साथ में बी के साथ में लगेंगे, देखो तीन मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, ठीक है, बी दो थे इसलिए टोटल कंपाउंड दो है, ठीक है, कोएफिशिएंट दो लगा दिया। आगे जाके हमने क्या किया, इसके ऊपर H2O2 डाला, जब यहाँ H2O2 डाल रहे हैं ना, हो क्या रहा है, जब यहाँ देखो बेटा लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे, यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे, ठीक है, OH कहाँ लगा हुआ है, OH यहाँ लगा हुआ है, निगेटिव पार्ट एक्चुअली कहाँ लगना चाहिए था, अभी OH माइनस कौन सा पार्ट है, निगेटिव पार्ट, एक्चुअली निगेटिव पार्ट कहाँ लगना चाहिए था, यहाँ लगना चाहिए था, लगा कहाँ है, यहाँ लगा। तो स्टेप वन में कौन सा रूल अप्लाई हुआ, मॉर्गोनिक ऑफ, और सेकंड स्टेप में कौन सा रूल अप्लाई हुआ, एंटी मॉर्गोनिक ऑफ। तो हाइड्रोबोरेशन दो स्टेप से जाती है, पहले मॉर्गोनिक होता है फिर एंटी मॉर्गोनिक होता है, समझे, स्टेप वन में मॉर्गोनिक, हाइड्रोबोरेशन कौन से रिएक्शन से फॉरवर्ड होता है, तो स्टेप वन में मॉर्गोनिक और स्टेप टू में एंटी मॉर्गोनिक, ठीक है, याद रखो, ओके, क्योंकि OH यहाँ लगना चाहिए था, यहाँ लगा नहीं, यहाँ लगा, मतलब एंटी मॉर्गोनिक का प्रोडक्ट है, और पिछले कंपाउंड में जो बी है वो बी यहाँ लगना चाहिए था, इस साइड में हाइड्रोजन लगना चाहिए था, वहां लगा था, मतलब वहां मॉर्गोनिक ऑफ अप्लाई हुआ था बट यहाँ नहीं हुआ, तो वो स्टेप वन मॉर्गोनिक ऑफ के हिसाब से और स्टेप टू एंटी मॉर्गोनिक के हिसाब से, ओके, सेम थ्योरी है, ठीक है, आप कहीं पर भी पढ़ सकते हो, एनप्रोपिल अल्कोहल या फिर प्रोपाइल अल्कोहल फॉर्म हुआ है, दिस रिएक्शन इज गिव्स एंटी मॉर्गोनिक ऑफ प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट जो है फाइनल कौन सा प्रोडक्ट है, एंटी मॉर्गोनिक ऑफ प्रोडक्ट है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि हाइड्रोबोरेशन का फाइनल प्रोडक्ट कौन सा रिएक्शन या फिर कौन से रूल से बनता है, ये नहीं पूछा जाएगा, इंटरमीडिएट पूछा जा सकता है, तो इंटरमीडिएट कैसा होगा, मॉर्गोनिक ऑफ के सबसे होगा, ओके, एंटी मॉर्गोनिक ऑफ नहीं लगेगा, ओके, चलो ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन है, द ओनली प्राइमरी अल्कोहल दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रेशन ऑफ अल्किन इज इथेनॉल, पता है मुझे ये क्वेश्चन एमएसटी सीटीए में आया था, सेम क्वेश्चन मैंने कल के दिन दिखाया था आपको, राइट है, ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोबोरेशन डाइजेस्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन फॉलोज, कौन सा रूल फॉलो करती है, एंटी मॉर्गोनिक ऑफ रूल, कौन सा, एंटी मॉर्गोनिक ऑफ, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट किसने दिया, एंटी मॉर्गोनिक ने दिया, इसलिए एंटी मॉर्गोनिक ऑफ फॉलो करती है, ओके चलो ठीक। नेक्स्ट, आइसोब्यूटिलीन और हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ 50% एस्ट्रेस ओवर ग्यूज, आइसोब्यूटिलीन से क्या बनेगा, आइसोब्यूटिलीन से क्या बनेगा, क्या बनेगा आइसोब्यूटिलीन से, एन ब्यूटिल अल्कोहल, आइसोब्यूटिल अल्कोहल, टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल, क्या बनेगा बेटा बताओ, आइसोब्यूटिलीन से क्या बनेगा, आइसोब्यूटिलीन का स्ट्रक्चर याद है किसी को, क्या होगा आइसोब्यूटिलीन ऐसा होता है बेटा, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है, ये हुआ बेटा आइसोब्यूटिलीन, सिर्फ मैंने ब्रांच नीचे की जगह ऊपर निकाली है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है, तो यहाँ क्या करना है हमें, H2O के साथ में इसे मिक्स करना है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब हाइड्रेशन करना है, तो हाइड्रेशन होगा, OH कहाँ लगेगा, जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, मतलब यहाँ OH लगेगा, और ये डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन होके CH3 बन जाएगा, चलो इसका नाम बताओ बेटा क्या रहेगा, क्या ये आइसोब्यूटिल अल्कोहल है या टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल है, टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल है, क्योंकि OH जिसको लगा है वो टर्शियरी है, ठीक है, टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल जो आंसर आना चाहिए, टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल, टर्ट क्यों, क्योंकि OH जिस कार्बन को लगा था वो कार्बन टर्शियरी, इसलिए टर्ट, ओके, दोनों में से मैंने क्या चॉइस किया बेटा, चलो आगे बढ़ते बेटा, रिडक्शन और हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो होता है ना, उसे कहते हैं बेटा हम कार्बोनिल कंपाउंड, उसका क्या करना है बेटा, रिडक्शन करना और हाइड्रोजनेशन करना, ओके ठीक है, हाइड्रोजनेशन करना मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ना बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब ही रिडक्शन होता है ना, ओके ठीक है, तो दोनों तो प्रोसेस एक ही हुई है, ठीक है, चलो बेटा, रिडक्शन ऑफ द हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब
दो टाइप के हो सकते हैं, एक कैटेलिटिक हाइड्रोजन का होता है, एक यूजिंग 2H हो सकता है, मतलब सिंपल हाइड्रोजन की एडिशन कर दो, या फिर कैटेलिटिक यूज करो। कैटेलिटिक तो मुझे पता है कौन से है, पीटीपीटी है ना, है मेटल कैटेलिटिक, ठीक है, मेटल कैटेलिस्ट रिएक्शन है। क्या करते हैं हम, पीटीपीडी एनआई लेते हैं और H2 की एडिशन करते हैं, फ्रॉम अल्काइन से अल्केन बनाना, अल्कीन से अल्केन बनाना, 11 पे पढ़ा था, याद है, ठीक है। देखो ना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है, कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन करना है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर देना है CHOH में, मतलब यहाँ भी हाइड्रोजन लगाना है, यहाँ भी हाइड्रोजन लगाना है, प्रोसेस का नाम ही हाइड्रोजनेशन है, ठीक है, हैलोजनेशन नहीं है, हाइड्रोजनेशन है। बच्चे याद कर सकते, सिर्फ पहले दो वर्ड पढ़ लेते हैं, हाइड्रो मींस हाइड्रोजन लगाना, हैलो मींस हैलोजन लगाना, और हाइड्रो हैलो मींस एक हाइड्रोजन एक हैलोजन लगाना, क्लियर है। चलो क्या हो रहा है यार, यह हो रहा है रिडक्शन, ओके ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। फॉर्मल्डिहाइड लिया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, करना क्या है, H2 का एडिशन करना है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को देना है, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को देना है, यह हाइड्रोजन लगाओगे तो कार्बन की तरफ हो जाएंगे 3 हाइड्रोजन, मतलब CH3, और यह O को हाइड्रोजन मिलेगा तो यह हो जाएगा OH, क्या होना CH3OH, मतलब क्या हुआ, मिथेनॉल, ठीक है। तो रिएक्शन का नाम दे सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ, या फिर फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड। बेटा कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन किया है, कैटेलिस्ट यूज किया है रेनेनिकल, ठीक है, निकेल कैटेलिस्ट यूज किया है, ठीक है, चलो क्या बना बेटा, मिथेनॉल, देखो यहाँ एक H लगा और यहाँ ऑक्सीजन को OH लगा, ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। एसिटाल्डिहाइड, एसिड, एसिटल, ये वर्ड कब यूज होता है बेटा, जब कॉमन नेम में दो कार्बन होते हैं तब एसिड, और एक सिंगल कार्बन हो तो फॉर्म, क्लियर है। एसिटाल्डिहाइड क्या करना है, H2 की एडिशन करना है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाना है और एक हाइड्रोजन यहाँ लगाना है, मतलब CH3CH2OH इथेनॉल फॉर्मेशन होगा, क्या क्या फॉर्म होगा, इथेनॉल फॉर्मेशन होगा, देखो बेटा क्या फॉर्म होने वाला है, इथेनॉल फॉर्मेशन होगा, ठीक है, इथेनॉल फॉर्म होगा। तो सिंपल सी मेथड थी बेटा, जिससे हम अल्कोहल प्रिपेयर कर रहे थे, यहाँ देखो बेटा एसिटोल है, क्या यहाँ एसिटोल, यहाँ एक H लगाना है, यहाँ एक H लगाना है, मतलब यहाँ लगेगा OH, यहाँ लगेगा H, क्या बनेगा बेटा, एक स्ट्रेट चेन कार्बन की 3 की और ब्रांच में आएगा OH, मतलब सेकेंडरी क्या, सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल, ठीक है, या फिर प्रोपेनॉल, इसका नाम बेटा एसिटोन, या फिर आप बोल सकते हो डायमिथिल कीटोन, या फिर प्रोपेनोन, ONE, किसका सफिक्स है बेटा प्राची, ONE किसका सफिक्स है बेटा प्राची, कीटोन, इसका है कीटोन, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ओ कार्बन, ठीक है, कीटोन, ठीक है। चलो बेटा H2 के एडिशन लगे, क्या होने वाला है, यहाँ एक H लगा, यहाँ एक H लगा, क्या नाम होने वाला है बेटा इसका, सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल, ठीक है, सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल, सेकेंडरी क्यों बेटा, क्योंकि OH जिस कार्बन को लगा था वो कार्बन कैसा है, सेकेंडरी है, इसलिए मैंने बोला यहाँ सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल, या फिर आप बोल सकते हो आइसोप्रोपिल अल्कोहल। नेक्स्ट रिएक्शन बेटा, HCHO कौन सा ग्रुप है बेटा, है फॉर्मल्डिहाइड है, CHO मतलब क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है, अल्डिहाइड ग्रुप है CHO, और एक ही कार्बन है इसलिए फॉर्मल्डिहाइड। H2 के एडिशन हुई, क्या होने वाला है, कार्बन को एक H लगेगा और ऑक्सीजन को एक H लगेगा, मतलब एक ही कार्बन का अल्कोहल बनेगा, नाम होगा मिथेनॉल, क्या नाम होगा, मिथेनॉल, रेनन निकल डाल, यहाँ रेनन निकल के जगह अलग कैटेलिस्ट यूज हुए, कैटेलिस्ट देखो NaHg सोडियम और हाइड्रोकार्बन प्लस H2O, या फिर NaBH4, या फिर LiLH4, NaBH4 एंड LiLH4 आर द रिड्यूसिंग एजेंट्स, आर द रिड्यूसिंग एजेंट्स, इन दोनों के पास में एबिलिटी है, ये किसी को भी इजीली हाइड्रोजन डोनेट कर सकते हैं, किसी को भी हाइड्रोजन दे देते हैं, ठीक है, ओके। तो हाइड्रोजन अगर ये खुद देंगे तो खुद का होगा ऑक्सीडेशन, फिर सामने वाले का होगा रिडक्शन। देखो बेटा इसने दोनों को हाइड्रोजन दिया, कार्बन को भी हाइड्रोजन दिया, ऑक्सीजन को भी हाइड्रोजन दिया, सिंपल सिंगल कार्बन के फॉर्म में कन्वर्जन हुआ है, इसका नाम है मिथेनॉल। देखो बेटा सेकंड रिएक्शन CH3CHO है, मतलब ये एसिटाल्डिहाइड हुआ ना, दो कार्बन वाला है, क्या ये एसिटाल्डिहाइड है, कैटेलिस्ट चेंज हुए, सोडियम
प्लस Hg इन द प्रेजेंस ऑफ H2O. ओके ठीक है, क्या बना बेटा फिर से इथेनॉल बना. क्या बना बेटा इथेनॉल. नेक्स्ट रिएक्शन देखो बेटा, ये क्या है आपका एसीटोन है. क्या है एसीटोन. देखो बेटा कैटलिस्ट कौन है, Na और Hg इन द प्रेजेंस ऑफ H2O. क्या होने वाला बेटा, यहाँ एक हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ एक हाइड्रोजन लगेगा, मतलब लास्ट में जो कंपाउंड फॉर्म हुआ था वही कंपाउंड फॉर्म होगा सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल. क्या फॉर्म होगा बेटा, सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल. मतलब ये जो रिएजेंट्स है और रेनेनिकेल जो है सेम रिएक्शन देते, कोई डिफरेंस ही नहीं था. तो अगर ये रिएजेंट आते तो भी आपको क्या करना है, हाइड्रोजन की एडिशन करनी है क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है. और अगर रहने नहीं कहलाता है H2 के साथ में तो भी आपको हाइड्रोजन की ही एडिशन करनी है, बिकॉज रिएक्शन ही चल रही है हाइड्रोजनेशन. क्लियर है. चलो बेटा नोट, एल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल. याद रखता है, भी एल्डिहाइड का अगर रिडक्शन करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल ऑन रिडक्शन. कीटोन गिव्स, कीटोन का अगर रिडक्शन होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा. देखो आपने देखा था कीटोन से एसीटोन से कन्वर्ट किया तो आइसोप्रोपिल बना, सेकेंडरी प्रोपिल बना. नॉर्मल फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड का किया तो प्राइमरी अल्कोहल बने थे. तो इसके आगे टर्शियरी अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन, क्योंकि कीटोन से आगे तो कोई होता ही नहीं है. अगर कीटोन के आगे अगर हुआ टर्शियरी कंपाउंड तो उसमें पॉसिबल ही नहीं रिडक्शन करना, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कार्बन के चारों बॉन्ड फिक्स होंगे, वही तो टर्शियरी होगा. तो उसमें कैसे हाइड्रोजन की एडिशन करोगे, हाइड्रोजनेशन टर्शियरी पे हो, मतलब टर्शियरी कंपाउंड हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से नहीं बन पाएगा, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है आगे देखो, LiLH कोरिज एन एक्सपेंसिव रिएजेंट टू यूज फॉर द प्रिपेयरिंग द स्पेशल केमिकल्स ओनली. LiLH फॉर कहां पे भी यूज नहीं करना है, कॉस्टली रिएजेंट है, पर्टिकुलर रिएक्शन में यूज करो. ठीक है, एसिड आर रिड्यूस टू अल्कोहल बाय कन्वर्टिंग देम टू द ईस्टर फॉलोड बाय द कैटालिटिक रिएक्शन. क्या बोल रहे हैं, एसिड आर रिड्यूस टू अल्कोहल. ठीक है, एसिड को हम अल्कोहल में रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब एसिड का अगर रिडक्शन किया, एसिड एसिड मतलब कौन सा ऊंचा ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच. यहां से अगर हमने डबल बॉन्ड ओ को निकाल लिया मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है. ठीक है, तो उसका कन्वर्जन हो सकता है ना अल्कोहल में. हाँ पॉसिबल है सर. एसिड आर रिड्यूस टू द अल्कोहल बाय कन्वर्टिंग देम टू द ईस्टर्स फॉलोड बाय देयर कैटालिटिक रिडक्शंस. ओके ठीक है, मतलब आप ईस्टर से एसिड बनाओ, एसिड से अल्कोहल बनाओ. ठीक है, आप कर सकते हो बाय देयर कैटालिटिक रिडक्शन. आपको क्या करना है, कैटालिटिक रिडक्शन करना है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है. बड़ा एसिटिक एसिड दिया मैंने, यहाँ रिएजेंट यूज किया LiLH को, मैंने बोला था एक कॉस्टली रिएजेंट है, हर जगह नहीं यूज कर सकते, पावरफुल रिएजेंट है. सिंपल मैंने क्या किया बेटा, एसिड का कन्वर्जन कर दिया है OH में बाय बाय कैटालिटिक रिडक्शन, बाय कैटालिटिक रिडक्शन. तो एसिड का अल्कोहल में कन्वर्जन होगा, ईस्टर का एसिड में कन्वर्जन हो सकता है. चलो आगे देख बेटा, ये फिर से एसिड दिया मैंने एक नया, क्या है RC डबल बॉन्ड OH. ओके चलो ROH के एडिशन की, क्या होने वाला है, एक अल्कोहल है एक एसिड है. ठीक है, सिंपल सा, यहाँ से OH यहाँ से H अगर निकल जाएगा तो H2O बनेगा, यहाँ से OH और यहाँ से H अगर निकल जाएगा तो H2O बनेगा. यहाँ क्या बचा है RCO, क्या होना है बचा है RCO, यहाँ क्या बचा है RO, इस O को उस O से कनेक्ट कर दो तो C डबल बॉन्ड O O R ईस्टर ग्रुप बनाए. क्या बोला बेटा, ईस्टर ग्रुप. देखो बेटा यहाँ बनेगा ईस्टर, वहां से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो क्या बचेगा RC डबल बॉन्ड O O R, मतलब बनेगा ईस्टर. क्या बोला बेटा, ईस्टर. ठीक है, इसके बाद फिर से हमने इसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किया, सिंपल इसका कन्वर्जन हो सकता है डायरेक्टली अल्कोहल में, मतलब LiLH4 इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट या फिर मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट जो ईस्टर का भी कन्वर्जन कर देता है अल्कोहल में, एसिड का भी कन्वर्जन कर देता है अल्कोहल में, और एल्डिहाइड का भी कन्वर्जन कर देता है अल्कोहल में. कौन, LiLH4. जब भी LiLH4 यूज होगा समझ लेना ये हाइड्रोजन डोनेट करने के लिए आया है. ठीक है, और डबल बॉन्ड के अक्रॉस हाइड्रोजन आपको ऐड करना है यूजिंग LiLH4 कैटालिस्ट. ओके चलो बेटा नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड था ये अल्कोहल था, ईस्टर बना, ईस्टर से अल्कोहल बना और एक अल्कोहल बाहर निकल गया. ठीक है, आगे जाके फिर से जो अल्कोहल बना था वही सेम अल्कोहल, फिर से देखो ये रिएक्शन वही रिएक्शन बिल्कुल सेम है. ठीक है, हम इसका यहाँ कन्वर्जन कर सकते हैं और यहाँ से इसका कन्वर्जन कर सकते हैं.
मैंने क्या किया यहाँ पे सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया, डिहाइड्रेशन किया तो इस्टर बना, और फिर से अगर हाइड्रोजनेशन किया तो फिर से हमारा अल्कोहल और अल्कोहल बन चुका है, दोनों अल्कोहल सेपरेट हो चुके हैं फिर से यहाँ से, ठीक है। लेकिन डिफरेंस ये था मैंने जब रिएक्शन स्टार्ट की तब यह कार्बोक्सिलिक एसिड था और यह अल्कोहल था, इसका कन्वर्जन हो चुका है सिर्फ अल्कोहल। ओके ये बेटा साइक्लोहेक्सेन मतलब कीटोन है क्या? साइक्लोहेक्सेन मतलब क्या है? कीटोन है क्या? कीटोन क्या करता है? सेकेंडरी अल्कोहल ज्यादा क्या पढ़ा ना मैंने, रिडक्शन अगर किया तो ये बनेगा, अगर फिर से ऑक्सीडेशन किया तो साइक्लोहेक्सेनोन बने, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन क्या है? द रिएजेंट यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग द इथेनोइक एसिड टू द इथेनॉल इज, एसिड का अल्कोहल में कन्वर्जन करना है, LiNH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, एस्टरीफिकेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड फॉलोड बाय द रिडक्शन विद द लिथियम एलिनो हाइड्राइड यील्ड्स followed by reduction, हमने सिर्फ यहाँ तक पढ़ा। कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल का जब मिक्सिंग होगा तो ईस्टर बनेगा, यहाँ तक प्रोसेस हुई इस्टरिफिकेशन की, यहाँ से आगे देखो followed by reduction, अगर उसको हमने आगे जाके रिडक्शन किया तो कन्वर्जन होगा दोनों अल्कोहल, ठीक है। लास्ट वाली रिएक्शन हमने जो देखी थी वैसे सेम।